नेक्स्ट फिफ्थ के बाद सिक्स्थ देखते हैं। सिक्स्थ एफ ऑफ थर्ड में सिक्स्थ कहाँ गया, ये रहा। जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाय टू प्लस टू बाय एक्स एक्स ग्रेटर देन जीरो। देयरफॉर जी डैश ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू 1/2 का तो 1/2 x का 1 हो जाएगा, ओके। प्लस 2 बाहर 1/x का क्या होता है -1/x2 और 2 तो था ही, 2 तो था ही, ओके। सो ये कितना आया 1/2 -2 अपॉन x का स्क्वायर। जी डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर कितना आया 1/2 -2 by x का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 1/2 2x का स्क्वायर ये आ गया x स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 2, ओके। अब g डबल डैश ऑफ x निकालते हैं। सो g डबल डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू कहां गया, ये रहा, 1/2 का तो 0 हो जाएगा और ये क्या है -2 तो है ही और x रेस टू -2 है, u बाई v था सर, नहीं ये तो 1/2 ही है ना, कांस्टेंट ही है, u ही है, v तो है ही नहीं, ये हाफ है, ये माइनस है और ये 2/x2 तो कुछ रहा ही नहीं ना, सब कुछ कांस्टेंट ही है, ओके। तो हाफ कांस्टेंट उसका 0 और ये -2 तो x ऊपर जाएगा तो क्या होगा x रेस टू -3 तो क्या हो जाएगा -2 x रेस टू -3। किसको किसको इसको ऐसे एलसीएम लेके करेंगे तो होगा, यस -2 ना x प्लस 2 आ जाएगा ना, x -2 ना होल स्क्वायर दे जाएगा तो एलसीएम लेके तो क्या होगा x स्क्वायर -4, हाँ करेक्ट, x स्क्वायर -2 ना x प्लस 2 आ जाएगा सर, कैसे x square minus 2 upon 2x square हो जाएगा, x square minus 4 होगा ना, ये 2 हाँ, 4 x square minus 4 upon 2x square, हाँ फिर वो u by 0 ले जाऊंगा, फिर वो u by u होगा, लेकिन ये इजी हाँ, हो गया ना, हाँ मतलब हो जाएगा, तुम बोल रहे हो वो भी कर लेते हो, चलो तो ये कितना हो जाएगा x square minus 4 divided by 2x square, done, ओके। तो ये क्या हो गया, अब इसका करेंगे u by v से, सो v कांस्टेंट, इसका क्या हो जाएगा 2x और ये तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस x square माइनस 4 कांस्टेंट और इसका हो जाएगा 4x अपॉन 2x का स्क्वायर तो मतलब 4x रेस टू 4, ओके। तो ये क्या हो जाएगा 2 टू 4 x का क्यूब माइनस ये अंदर जाएगा तो 4 एक्स का क्यूब माइनस माइनस प्लस 4 4 16x अपॉन 4x रेस टू 4, तो ये तो कट हो गया 16x तो 4 6 4 4 16x क्यूब तो 4x/x3 आया और माइनस है ना, ये माइनस क्यों है, तो मेरा क्यों माइनस, हाँ ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस, डन, ओके। और यहां से भी डायरेक्टली करोगे तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, उसका तो जीरो हो गया, ये माइनस टू कॉमन है तो यहाँ रहा क्या सिर्फ 1/x2, तो 1/x2 का होता है हमारा 1/x3 -1/x3 क्योंकि x स्क्वायर होगा तो माइनस टू बाहर x रेस टू -2 हो जाएगा तो x रेस टू n से इसका हो जाएगा -2 x रेस टू -2 -1 तो ये हो जाएगा से प्लस 4 x रेस टू -3 वो नीचे आ जाएगा, डन, ओके। सो से रख कर दू ना, हाँ सो ये g डबल डैश ऑफ x आया 4x का क्यूब, अब उसमें वैल्यू पुट करनी है हमें, कौन सी वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू, सो x की वैल्यू हम पहले प्लस 2 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू प्लस 2 ले रहा था ना, x ग्रेटर देन 0 से ऊपर, ओके यस, तो हमारी कंडीशन है x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, करेक्ट, यस, तो प्लस 2 ही लेना पड़ेगा, ओके, माइनस 2 का केस ही नहीं बनेगा,
सो से जी डबल डैश ऑफ टू कितना आया, हाँ एट, सो वन बाई टू, यस वन बाई टू इज लेस देन जीरो, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा मैक्सिमा, लेस देन आया ना, ग्रेटर देन जीरो ना, वन बाई टू जीरो पॉइंट फाइव, यस ओके। सो हमारा आ गया ग्रेटर देन जीरो, जीरो पॉइंट फाइव ग्रेटर देन जीरो, यस। तो लोकल मिनिमा डन, ये लोकल मिनिमा पॉइंट आ गया, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हमारा आया है क्या, टू। सो से जी ऑफ टू कितना है, जी ऑफ टू टू बाई टू प्लस टू बाई टू, वन वन टू डन। तो वैल्यू आ गई हमारी, लोकल मिनिमा है तो मिनिमम वैल्यू आ गई हमारी टू, बस खत्म, ओके।